नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स ने काफ़ी लंबे अरसे के बाद इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन हॉट 6 प्रो निकाल दिया है। लगभग 8000 पर मिलने वाला यह स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। तो चलिए आज मैं आपको इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूं। अब सबसे पहले मैं इस फ़ोन के बॉक्स को खोल लेता हूं। बॉक्स से मिलता जुलता मैंने बैकग्राउंड चूज़ किया है और मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। बॉक्स को थोड़ा सा आपको नाम दिखना चाहिए बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ। फिलहाल इसको यहाँ रखते हैं। फ़ोन आप देख सकते हैं फिलहाल ठीक लग रहा है। अभी इसके फर्स्ट इंप्रेशन की बात बाद में करेंगे, तब तक मैं इसको ऑन करके यहाँ रखता हूँ और आपको बॉक्स कंटेंट दिखाता हूँ। कंपनी एक बार फिर से आपको अपने इस फ़ोन के साथ ये सिलिकॉन कवर मुहैया करवा रही है। इसके साथ साथ इसमें आपको मिलेगा ये पावर अडाप्टर जो कि 5 वोल्ट 1.2 एम्पीयर का है। इसको भी हम यहाँ पर रखते हैं। केबल मुझे हमेशा ये इन्फिनिक्स की काफ़ी अच्छी लगती है। टैंगल फ्री केबल कंपनी मुहैया करवाती है आपको। माइक्रो यूएसबी केबल है। सिम इजेक्टर टूल दिया गया है। कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं और साथ ही साथ आपको ये स्क्रीन गार्ड भी मिल जाता है, यानी जब आप इस फ़ोन को ख़रीदेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इसके साथ मिलेंगी और ईयरफोन्स नहीं दिए गए। अब बात करें इस फ़ोन के फर्स्ट इंप्रेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार ये फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैट फिनिश वाला बैक पैनल दिया है, फिंगरप्रिंट सेंसर और कैमरा प्लेसमेंट है। काफ़ी हद तक आपको दूसरे रेगुलर एंड्रॉयड स्मार्टफोन की तरह इसकी लुक्स मिलती जुलती लगेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि फ़ोन ख़राब है। फ़ोन एक्चुअल में आपको अच्छी लुक दे रहा है और आपको इसमें एक अच्छी ग्रिप भी मिलेगी। साथ साथ आपको बता दूँ कि इसमें आपको जो ये बैक पैनल है ये प्लास्टिक का मिलता है, लेकिन इतना हल्की क्वालिटी का नहीं लगता और आपको ये पसंद भी आएगा। इसके अलावा इसमें आपको 6 इंच का HD+ रेजोल्यूशन और डिस्प्ले मिलता है। मैं आपको एक बार इसकी ब्राइटनेस वगैरह दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ब्राइटनेस मैंने ऑलमोस्ट 30 लेवल पे कर रखी है। इसके अलावा इसकी इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की हम बात करेंगे तो कंपनी ने इसमें क्वालकॉम का चिपसेट यूज़ किया है। स्नैपड्रैगन 425 चिपसेट इसमें आपको मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 कोर्स का प्रोसेसर है, 3 GB की रैम दी गई है इसमें, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है। साथ साथ ये फ़ोन 4000 mAh बैटरी के साथ आता है और इसमें आपको 13+2 MP का रियर कैमरा मिलेगा और 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। और अब मैं आपको एक बार कैमरा का टेस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है, फटाफट फोटोज क्लिक हो रही हैं। एक बार हम इसके वीडियो को भी देख लेते हैं। आप इसमें फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं बात करें फ्रंट की, तो मैंने आपको बताया कि 5 MP का सेंसर इस्तेमाल किया गया है। हालांकि क्वालिटी पे जज नहीं कर सकता अभी मैं, क्योंकि पीछे से बहुत स्ट्रांग लाइट आ रही है, लेकिन शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है। इसमें आपको LED लाइट भी मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम इसके मेमोरी कार्ड स्लॉट को देखें, चेक करते हैं कि डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट है या फिर हाइब्रिड है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी ने डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया है इसमें। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा यह है कि आपको अपने सेकंड सिम कार्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा और इसमें आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए। तो मैंने आपको इस शुरू में बता ही दिया था। ओवरऑल फ़ोन की लुक्स काफ़ी अच्छी है। 4000 mAh बैटरी होने के बावजूद भी फ़ोन हाथ में पकड़ने पर आपको हल्का लगेगा और एक
अच्छी ग्रिप भी देगा और अपने प्राइस रेंज में ये फ़ोन कई स्मार्टफोन्स को टक्कर देने की क्षमता भी रखता है। पर एनीवे ये एक्चुअल में कितना कारगर साबित होगा वो तो इसके रिव्यू के बाद ही पता चलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उस फोन का रिव्यू दिखाऊं तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताएं। साथ साथ अगर आप इस फोन का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। और यहां पर आपको बता दूं कि अगर आप इस फोन को ईएमआई पर खरीदने का विचार बना रहे हैं और आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप इसे जेस्ट मनी के थ्रू फ्लिपकार्ट से 3 या 6 महीने की ईएमआई पर 0% इंटरेस्ट पर आसानी से खरीद सकते हैं। पर एनीवे अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।